हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद मुंशी। साथियों, आपने कई बार देखा होगा दीवारों पर एक इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, यहाँ थूकना मना है, और हम देखते हैं कि उसके बाद भी लोग वहीं थूकते हैं। अगर आपको किसी भी सोसाइटी का, किसी भी सिटी का या किसी भी देश के लोगों की मानसिकता को जानना है या देखना है, तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी को समझिए। वहां पे ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा है कि थूकना मना है, मतलब लोग थूकते थे। अभी थोड़े दिनों पहले मैं मेरी बेटी के साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, और वहां मैंने देखा कि एक बहुत बड़े लाल बोर्ड के ऊपर सफेद अक्षरों में लिखा है, रैगिंग इज प्रोहिबिटेड, यहाँ रैगिंग करना मना है। और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ऐसा करते परे जाने पर आपको 5,000 रुपए का जुर्माना और 2 महीने की सजा। मेरी बेटी जिज्ञासा थी, उसने पूछा, पापा ये क्या है और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस तरह की लैंग्वेज लिखने का क्या अर्थ है। उसने पूछा, व्हाट इज रैगिंग। एक सरल भाषा में रैगिंग स्टूडेंट्स के लिए यूज होती है, जहां एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के ऊपर शारीरिक या मानसिक कष्ट देकर उस पर नियंत्रण पाना चाहता है, उस पर अपना हक जमाना चाहता है। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे भी कई कारण है, लेकिन एक प्रमुख कारण है, हमारे अंदर से कई बार इतनी नेगेटिव फीलिंग्स होती है कि हम लोगों के ऊपर येन केन कारणे नियंत्रण करना चाहते हैं, उन्हें अपना बंदी बनाना चाहते हैं, उन्हें हमारा दास बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये अमानवीय है, ये एक बिगड़ी हुई मानसिकता का पर्याय है। ऐसा करने का एक सभ्य समाज में कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि ये अमानवीय कृत्य होते रहते हैं। आए दिन हम सोचते हैं और देखते हैं कि पेपरों में हम पढ़ते हैं कि रैगिंग के दौरान किसी बच्चे की हत्या हो गई, वो मर गया। आज हम सब साथ में मिलके क्या एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि समाज के अंदर इस घटना का, इस तरह के कृत्यों का कोई स्थान नहीं है। हमें सब एक साथ हाथ मिलाकर यह प्रयास करना होगा कि इस तरह की चीजों को ना होने दें और ना ही करें। ये एक स्वस्थ मानसिकता की निशानी है, और हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि हम आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी फैला रहे हैं, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस वजह से वो अपने शैक्षणिक, अपने आध्यात्मिक, अपने सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो लोग रैगिंग करते हैं या जिन पर रैगिंग होती है, वो किसी तरह से यही बदला अपने आने वाले जनरेशंस पे निकालते हैं। हो सकता है शायद आप रैगिंग के शिकार रहे हो, लेकिन आज हमें सभी को मिलकर कसम खानी है कि इसको आगे और नहीं बढ़ाना है। इसी वचन के साथ दिस इज आनंद मुंशी आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।